Hi, good evening everyone. So again we are connected here to discuss about the Nifty technical levels, and we discuss the how we can set up the trade for next day. यानी कि we are talking about tomorrow. It means Wednesday. How we can set up a trade. So what would be the strategy if market is going to open gap up, gap down, or flat? We are ready to discuss here in this session. So let's start it. First of all, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मार्केट का मूड किस तरीके का रहा. ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन है ऑलरेडी. 31 तारीख को मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर खुला और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे मार्केट ने काम करवाया, राइट. सो द पॉइंट इज़ कि मार्केट ने जो कल स्ट्रेंथ दिखाया था ना, ये स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ. ये वाला जो स्ट्रेंथ दिखाया था मार्केट ने, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, तो वो स्ट्रेंथ अभी कुछ खास मेंटेन नहीं कर पा रहा है मार्केट. अगर आप नोटिस करेंगे ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बड़े काम की चीज़ है. तो चलिए मैं आपको कैंडल के थ्रू ही एक बार डिस्कस करता हूँ. कैंडल के थ्रू बताता हूँ आपको. लेट मी ओपन वन डे कैंडल, ठीक है. सो द पॉइंट इज़ नाउ दिस इज़ द वन डे कैंडल, ठीक है, डे कैंडल. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट ग्रीन चलता है तो ग्रीन 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 ग्रीन, राइट. तो इट मीन्स मार्केट इज़ बुलिश. नाउ द थिंग इज़, अगर रिवर्सल पॉइंट में देखें, रेड 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 ग्रीन आया, बट उसके बाद फिर बड़ा रेड आया, ठीक है. तो इट मीन्स यहाँ पे ट्रेंड जो था वो बेयरिश था, यहाँ पे जो ट्रेंड था वो बुलिश था. सो मैं ये क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो मैं आपको वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ. हमें कैसे ये इंडिकेट पता लगेगा कि बाज़ार का ट्रेंड जो है वो अब चेंज हो चुका है. तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, 200 EMA के ऊपर बाज़ार है, लेकिन अगर हम बात करें तो ज़्यादा ऊपर नहीं है, इसको छू के ही बाज़ार अभी निकला है रिसेंटली. उसके अलावा RSI की बात करूँ तो 37 के नियर चल रहा है, जो कि मैं कहूँगा कि एक बेयरिश सिग्नल ही दे रहा है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है. उसके अलावा 50 EMA, 26 EMA के नीचे भी मार्केट आराम से काम कर रहा है, ठीक है, ऊपर आ ही नहीं रहा है मार्केट. उसके अलावा एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये कि हमारा ना ये एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था. ये लेवल था 19,225 का. अगर आप देखें तो ये सपोर्ट लेवल 3 जुलाई को सपोर्ट आया, फिर थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला 3 अगस्त को, फिर सपोर्ट 14 अगस्त को, फिर उसके बाद 18 अगस्त को, देन 25 अगस्त को, फिर उसके बाद 31 अगस्त को, और देन मूव अप. फिर उसके बाद बाज़ार एक बार फिर थोड़ा सा इसको नीचे टेस्ट करने आया, लेकिन उसके बाद जो है बाज़ार अगेन जब उसको रीटेस्ट करने आया तो उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया. सो अब ये जो सपोर्ट लेवल है, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है. अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ग्रीन कैंडल बना, आज मार्केट ने इसको टेस्ट किया और वापस हो गया यहाँ से नीचे. तो अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. देखिए, जब बाज़ार ऊपर जाता है तो हम बात करते हैं सपोर्ट की, जब बाज़ार नीचे आता है तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की. रेजिस्टेंस से हम लोग क्या करेंगे, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा तो वहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा. जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और वो वापस नीचे आता है उसको टेस्ट करने के लिए सपोर्ट को लेवल को, तो सपोर्ट लेवल उस टाइम पे जो है एक अपॉर्चुनिटी का काम करता है, यानी कि बाय के लिए आपको ऑफ़र करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल. सो एज ऑफ नाउ मेरी यही स्ट्रेटजी है कि आप रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करें और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस लेवल से पर्टिकुलरली. नाउ शॉर्ट टर्म जो है मेरा व्यू बियरिश है. बेस्ट स्ट्रेटजी वुड बी सेल ऑन राइज, कि मार्केट जब ऊपर जाए डे लो से तो सेलिंग ही कीजिए. अगर आप यहाँ पे देखें 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ आज का निफ्टी का, तो यहाँ पे भी बड़ी अच्छी चीज़ है, एक चीज़ देखने की. डे लो से अगर आप देखें 19,121 से मार्केट ने रिकवरी मारा 19,227, तो यानी कि 100 पॉइंट का निफ्टी ने रिकवरी दिया, एक मोमेंटम दिखाया, ठीक है. तो ये मोमेंटम कब आया, अगर आप देखेंगे 11:45 से बाज़ार चला और बाज़ार करीबन 2:30 बजे ऊपर ही था. सो उसके बाद बाज़ार ने ज़बरदस्त डाउनफॉल दिया. सो अभी जो मार्केट में मंत्रा काम कर रहा है दैट इज़ सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, ठीक है. यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है. एक छोटा सा अगर बाइंग आया भी है तो वो मेंटेन नहीं हो पाया, उसके बाद देखिए बाज़ार ने नीचे क्लोजिंग दिया. सो बाज़ार में एक चीज़ और बड़ी अच्छी मेज़र आप कर सकते हैं, जब भी आप टेक्निकली काम कर रहे हैं आप हमेशा क्लोजिंग को चेक कीजिए। ये देखिए 19,811, 683, 618, 527, 269, 224, फिर 18,972, 19,171, छोटा सा रिकवरी 19,220, लेकिन अगेन 19,220 के नीचे फिर क्लोजिंग। सो क्लोजिंग से हमें यहाँ पे ये पता लग रहा है, अगर मैं इन क्लोजिंग्स को देखूँ तो मुझे ये पता लग रहा है कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं उसके बाद की क्लोजिंग्स देखूँ तो मेरे को पता लग रहा है कि मार्केट डाउन जा रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे व्हेन यू कैन see where is the market trying to go, where is the market trying to show the momentum, kind of you can easily observe this kind of the market momentum and you can set your strategy accordingly. So this is the main thing कि आप closing को ज़रूर देखिए जब भी आप trade कर रहे हो market में। तो जब भी आप मार्केट आवर्स के बाद जब भी आप अपना रेडी करते हैं, अपना सब सेटअप रेडी करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो आप ये चीज़ें ज़रूर कंसीडर करें कि बाज़ार का क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, एटलीस्ट आपको ट्रेंड पता लगेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आप आज का देखेंगे, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, ये मिस्टेकली ओपन हो गया। तो आप आज का देखेंगे तो एफआईआई के बारे में अगर हम देखें तो 700 करोड़ का नेट में सेल कैश सेगमेंट में, ठीक है। इंडेक्स की बात करें मिक्स से रहे, निफ्टी 50 माइनस, निफ्टी बैंक माइनस, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी 100 माइनस, तो ये थोड़ा सा छोटा सा स्लाइटली पॉजिटिव रहा। इट डजेंट मैटर, बट ओवरऑल इट डजेंट मैटर, बिलीव मी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़, अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट के बारे में, यूरोपियन मार्केट भी मिक्स ही रहा, हालांकि कैक ने 1% का तेज़ी दिया, डैक्स आधा % और आधा % यहाँ पे ये करीबन माइनस। डाउ जोन की बात करें तो फ्लैट ही है, नेस्डेक की बात करें तो थोड़ा सा माइनस चल रहा है, तो सब कुछ फ्लैट सही है, ठीक है। सो ओवरऑल नाउ अगर स्टॉक की बात करें, टाइटन ने थोड़ा अच्छा काम करवाया, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ पॉजिटिव क्लोज हुए। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री आज 25 रुपये गिर के, आईसीसी बैंक 18 रुपये गिर के, एचडीएफसी बैंक डाउन, महिंद्रा एंड महिंद्रा डाउन, इन्फोसिस डाउन। सो बेसिकली नाउ यहीं से हमें बहुत कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने को पता लग जाता है कि मार्केट बेसिकली चल क्या रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए, हमें कंसीडर करनी चाहिए और हमारे नेक्स्ट डे ट्रेड सेटअप में हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। उसी से आपको जो है बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा मार्केट के अंदर, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो गैप फिलिंग की बात कर रहा था मैं 2 दिन पहले भी अपनी वीडियो में, तो गैप फिल ये होगा ही होगा, ये वाला गैप फिल होगा पक्का। और जब इस गैप को फिल करने मार्केट आएगा तो जब ऊपर जाएगा तब मज़ा आएगा उसमें काम करने का, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो गैप फिल करने आएगा ये बहुत बढ़िया यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है यहाँ पे मार्केट। एफआईआई डाटा की हमने बात कर ली, इंडेक्सेस की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं एक्सेल शीट पे आते हैं। एक्सेल शीट पे अगर मैं आपको बताऊं 19,280 का हाई, 275 मार्केट खुला, कुछ खास नहीं। 19,158 कल का क्लोजिंग दिया, सॉरी 19,220 का कल का क्लोजिंग था। 50 पॉइंट ऊपर बाज़ार आज खुला था, उसके बाद ऊपर खुलने के बाद आज बाज़ार ने 19,158 यानी कि 70 पॉइंट की गिरावट के साथ बाज़ार क्लोजिंग दिया है। ये देखिए 19,158, ठीक है। तो ये पिछली क्लोजिंग से आप ज़रूर कंसीडर किया कीजिए। नाउ वॉल्यूम थोड़े से प्लस, बट इतना कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें कुछ भी बोलने वाला ऐड ऑन करने वाला नहीं है। ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली पॉजिटिव, बट इसमें भी कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इंडेक्स के मोमेंटम के बारे में, इंडेक्स की जो अभी कल जो रिकवरी हुआ है बाज़ार के अंदर, तो मुझे आज ये फीलिंग आ रहा था, गट फीलिंग आ रहा था कि यहाँ से बाज़ार आज फिर ऊपर जाना चाहिए और ऊपर ही क्लोज़ करना चाहिए, लेकिन बाज़ार ने ऊपर क्लोज़ नहीं किया। इट मीन्स बाज़ार नेगेटिव साइन फिर से देने को रेडी है। अब यहाँ पे देखना मेन ज़रूरी ये है कि क्या बाज़ार आज का हाई तोड़ेगा। आज का हाई अगर आप लेके चले हैं तो इट इज़ राउंड अबाउट 19,218-220, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी नवम्बर फ्यूचर के बारे में, ठीक। सो 19,280 का हाई दिखा रहा है यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, दिस इज़ स्पॉट निफ्टी। ओके, लेट मी चेक हेयर। यस, तो आज का हाई है 19,276। सो मुझे ये ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट 19,250 के आसपास का शायद हाई बना सकता है, अदरवाइज़ 19,158 की क्लोजिंग दी है 19,158, यानी कि बाज़ार करीबन बाज़ार यहाँ पे बंद हुआ है। सो 10-20 पॉइंट अगर बाज़ार 25 पॉइंट प्लस होता है तो वहाँ से आप सेलिंग करके चल सकते हैं। बाज़ार में आपको जो नेक्स्ट कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, माइट बी वो आपको ये वाली कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, might be, yes, this candle I consider right for tomorrow trading session. So it means कि मार्केट यहाँ से 19,190 के आसपास तक जा सकता है, उसके अलावा मुझे कुछ खास यहाँ पे गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है। देखते हैं कल का मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, डिपेंड तो उसी के ऊपर करता है। मीनवाइल अपन बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में। चलिए, तो हमने कल जो डिस्कस किया था सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप, जो कि आज कामयाब भी हुआ। अगर आप देखेंगे सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप, अब चलिए मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ एक बार, तो कामयाब कैसे रहा वो भी ज़रूरी है डिस्कस करना। उसी से हमारे अनुभव का पता लगेगा कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ सी, ये 15 मिनट का चार्ट है, 31 अक्टूबर राइट। 31 अक्टूबर को मार्केट यहाँ पे खुला, नीचे गया तो बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप से आपने अगर यहाँ पे कहीं पे भी आसपास बाइंग बनाई होती तो उसके बाद सेल ऑन राइज, फिर से अगेन दिस। सो दिस इज़ द बेस्ट वे राइट, सो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, यू कैन फॉलो इट। सो नाउ आई एम सेइंग दैट फ्रॉम एज पर द टुडे मार्केट क्लोजिंग आवर्स कि मार्केट अब सेल ऑन राइज का ही बनता है, बाय ऑन डिप अब थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं आगे कि मार्केट के लेवल्स किस तरीके के रहने वाले हैं वेडनेसडे को। सो सबसे पहले बात करूँगा ओवरऑल आउटलुक के बारे में। सो निफ्टी ट्रेंड इज़ बेयरिश अगेन, सो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी रखिए, बाइंग करने का ज़रूरत अभी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कहाँ पे हाईएस्ट लेवल लग सकता है? अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 19,190 का हाईएस्ट लेवल मुझे लगता है मैक्सिमम, एंड 19,158 पे बाज़ार बंद हुआ है। सो लो चेक कर लेते हैं एक बार, 19,120 का लो है। सो यहाँ पर मुझे जो लो लग रहा है दैट इज़ अराउंड 19,020, ठीक है। सो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब भी मुझे 19,190 का हायर लेवल, मुझे इससे ज़्यादा कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। और डाउन साइड पे अगर मैं बात करूं तो 19,100। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या रह सकते हैं चांसेस? अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो 19,180 हायर साइड और 19,060 डाउन साइड पर। सो ओवरऑल मेरी जो यहाँ पे आउटलुक समझ में आ रहा है दैट इज़ बेयरिश, ठीक है। मुझे कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं लग रही है, इवन रेजिस्टेंस के पास आके वहाँ पे सेलिंग बनाइए। सो दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर 9888902353, यू कैन फॉलो इट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन व्हाट्सअप मी एट दिस नंबर और SMS मी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।